नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हम वतन टीवी और मैं हूं आपके साथ अजय। राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाले दिल्ली पुलिस ने 16 फरवरी को अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर विशेष रूप से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस की अलग अलग टुकड़ियों ने परेड मार्च निकाली, जिसकी सलामी खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ली। इस दौरान जहां एक ओर दिल्ली पुलिस ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के अपनी प्रतिबद्धता को दोहराई, तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए तमाम कार्यों और दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात तमाम पुलिसकर्मियों की जमकर प्रशंसा की। देश की राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारियों में जुटी दिल्ली पुलिस ने 16 फरवरी को अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर एक शानदार परेड का भी आयोजन किया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित इस समारोह में दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। समारोह की शुरुआत मुख्य अतिथियों ने परेड ग्राउंड का दौरा कर प्रतियोगियों की परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान दिल्ली पुलिस की अलग अलग टुकड़ियों ने मार्च पास्ट में हिस्सा लिया और मार्च पास्ट कर अपनी कार्यशैली का प्रदर्शन किया। इस मौके पर जहां एक ओर मुख्य अतिथियों द्वारा 76वीं स्थापना दिवस की परेड को सलामी दी, तो वहीं दूसरी ओर गैलेंट्री, विशिष्ट सेवा के राष्ट्रपति पदक और मेधावी सेवा के लिए पुलिस पदक के लिए पुलिस कर्मियों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा फॉरेंसिक वैन की शुरुआत कर एक हरी झंडी भी दिखाई। दिल्ली पुलिस इसके गौरवमय इतिहास से समग्र देश की प्रशंसा प्राप्त करती रही, क्योंकि यहाँ पर दुनिया भर के सभी देशों के दूतालय है। राष्ट्रपति महोदय से लेकर सभी संवैधानिक पद पर विराजमान महानुभाव यहाँ निवास करते हैं। दिल्ली पुलिस के चौक चौबंद व्यवस्था से पूरी दुनिया भी इसकी बुरी बुरी प्रशंसा करती है। मंच से संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए कार्यों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने कोविड-19 के दौरान अपने असाधारण काम का परिचय देते हुए इसलिए वो बधाई के पात्र हैं। इस मौके पर गृह मंत्री ने ड्यूटी के दौरान शहीद हुए ASI शंभु दयाल शर्मा का नाम लेना भी नहीं भूले। 76वें स्थापना दिवस के मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि समय के साथ साथ दिल्ली पुलिस की कार्य प्रणाली में भी काफी बदलाव देखने को मिला है, जिसने आम जन के बीच खूब सुर्खियां बटोरी है। साथ ही इस दौरान अमित शाह ने G20 को लेकर आने वाली चुनौतियों की ओर दिल्ली पुलिस का ध्यान आकर्षित करते हुए बेहतर व्यवस्था की भी उम्मीद जताई और दिल्ली पुलिस के बेड़े में शामिल हुई फॉरेंसिक वैन को लेकर के दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली को और बेहतर होने की आश्वासन दिया। बहादुर ASI शंभु दयाल को भी याद कर श्रद्धांजलि कर मेरी बात की शुरुआत करता हूँ। आजादी के बाद दिल्ली पुलिस शांति, सेवा और न्याय के सूत्रों के साथ आगे बढ़ी और ये उद्देश्य परिवर्तन के साथ ही ये 75 साल की यात्रा में दिल्ली पुलिस ने अपने कार्यों में, अपनी गतिविधियों में और अपने विचारों में ढेर सारा परिवर्तन लाया। देश का ऐसा पुलिस बल, पहला पुलिस बल बनेगा जो 6 साल और 6 साल से ज्यादा सजा वाले हर केस के अंदर फॉरेंसिक टीम के विजिट के साथ ही इसकी जांच होगी। हमारे देश के न्याय तंत्र को फॉरेंसिक साइंस का एविडेंस का आधार देकर मजबूत करने की बहुत जरूरत है। इस अवसर पर बोलते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली वासियों और खास तौर पर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा और आतंकवाद से लड़ने में दिल्ली पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने कहा कि आज दिल्ली पुलिस अपना 76वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर पुलिस आयुक्त ने दिल्ली पुलिस द्वारा दी जा रही डिजिटल सेवाओं के बारे में भी बताया। साथ ही उन्होंने पुलिस परिवारों के लिए बहुत सारे कल्याणकारी उपाय शुरू करने के लिए पुलिस फैमिली वेलफेयर सोसाइटी की भी सराहना की और पदक जीतने वालों और सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन पुरस्कारों के विजेताओं को भी बधाई दी।
आधार पर दंडित अपराधों को सुलझाने तक सीमित नहीं रहेगी और पद्धति विश्लेषण की मदद से घटित होने से पूर्व ही अपराध निरोधक कार्रवाई अमल में लाई जा सकेगी। महोदय, आपका विशेष ध्यान संगठित अपराध, आतंकवाद और मादक द्रव्य निरोधक कार्रवाई पर बना रहता है। आपके आदेशों का पालन करते हुए दिल्ली पुलिस ने इन अपराधों पर बहुत संजीदा कार्रवाई सुनिश्चित की है। इससे प्रेरणा लेके दिल्ली पुलिस भी अपने सधे हुए कदमों से दिल्ली की जनता की सुरक्षा और सेवा में प्रगतिशील रहेगी, यह विश्वास मैं आपके समक्ष दोहराना चाहता हूँ। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस द्वारा हर साल 16 फरवरी को स्थापना दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में इस समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान दिल्ली पुलिस के कई सेवानिवृत्त हुए अधिकारी भी और सेवारत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे और सभी ने इस कार्यक्रम की जमकर सराहना की। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।